Take your seat first. Take your seat. Take your और इसलिए सेक्युलरिज्म को इस देश में एक अनन्य साधारण महत्व है, वो सेक्युलरिज्म की संकल्पना किसी ने डाइल्यूट करने की कोशिश की तो ये समाज कभी एक नहीं रहेगा, और जब तक समाज में एकता रही नहीं रहेगी तब तक इस देश में स्थिरता पैदा नहीं होगी, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। ये मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ, और ये कमियाँ हैं जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, इसकी सबसे बड़ी कमियाँ ये कमियाँ हैं, और इस बारे में आपको सोचना होगा, आपकी नीति साफ करनी होगी, तब तक देश के साथ सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में आप कामयाब नहीं होंगे। और एक बात है इसमें, स्वदेशी की बात यहाँ की गई, मेरे जैसे व्यक्ति को जो देश की तरक्की के बारे में सोचता है, दुनिया किस तरफ जा रही है, हमारे पड़ोसी देशों में जो परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में जो हो रहा है, इस बारे में मैं बड़े नज़दीक से अभ्यास करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, और मुझे कई बार लगती है कि भारत जैसे देश में सब कुछ है, यहाँ टैलेंट है, मेहनत करने वाली समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, यहाँ की खेती अच्छी है, यहाँ पानी की उपलब्धि है, भूगर्भ की संपत्ति यहाँ है, साल में बहुत महीने तक बहुत दिनों तक उपलब्ध होने वाला सूरज प्रकाश यहाँ है, यहाँ हम मिलकर और कई इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में ज़्यादा ध्यान देकर कुछ कदम उठाएंगे तो कुछ दिनों में हम भी दुनिया के जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब परिवर्तन की और विकास की बात हम करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण कुछ राज्य तक सीमित रखेंगे, हमारे देश तक सीमित हम रखेंगे तो हमारे यहाँ परिवर्तन लाने में भी मर्यादा आ सकती है, और इसलिए वैश्वीकरण इनको हम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर नहीं सकते। गांधी जी का स्वदेशी शब्द था, महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी का विचार देश के सामने दिया, इसमें सबसे ज्यादा परकीय वस्तुओं पर बहिष्कार की भावना उनके मन में थी, जो दुनिया के अन्य देशों में पैदावारी होती है और वो यहाँ लाकर बेचने की कोशिश होती है, इसके खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। मैं ये मानता हूँ कि भारत का निर्माण भारत के लोग करेंगे, मगर साथ साथ गांधी जी का स्वदेशी का बारे में जो विचार था वो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। कांग्रेस के कारण ये स्वदेशी लफ्ज लेकर, शब्द लेकर इस देश में स्वतंत्रता का ज्वर पैदा हुआ था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र था कि जिससे आदर, स्वाभिमान, आत्मविश्वास की भावना थी। आज भारतीय जनता पार्टी और उनमें सरकार में शामिल होने वाले कई हमारे साथी जिस तरह से स्वदेशी की भावना देश के सामने रखती है, इससे भय पैदा करने वाली मानसिकता का दर्शन वो पूरे देशवासियों को देते हैं। मुझे ये लगता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम बेसिक डेवलपमेंट कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर राशि की पूर्तता करने की जिम्मेदारी हम सब की है, और जब देश के बाकी काम के लिए हमारे पास राशि की कमियां होती है तो ऐसे क्षेत्र में कोई बाहर वासी आए और एक हद तक उन्होंने वहाँ सहयोग दिया तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो कहा जाता है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जो कहा जाता है कि मुझे याद है कि जब एनरॉन का प्रोजेक्ट यहाँ क्लियर हुआ था तब इसी एनरॉन के प्रोजेक्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक संघर्ष का आंदोलन किया था, बार बार ये कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी,
जहाँ एनरॉन का प्रोजेक्ट लगाया है वहाँ एक छोटा सा बंदर बनाने की बात थी, पोर्ट बनाने की बात थी। वहाँ कहते थे कि वो अमेरिका का 10 फ्लीट वहाँ आएगा और हमारे देश पर आक्रमण हो जाएगा। बहुत कुछ बातें सामने की थी, पर मुझे खुशी है कि उस 13 दिन में आपने वो प्रकल्प क्लियर किया था, इसका फायदा कुछ हो गया। मगर आज जो हम भय की मानसिकता देश के सामने रखना चाहते, मुझे लगता है कि इससे देश का नुकसान होगा। इस देश की नई पीढ़ी हो, तंत्रज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, इनको भरोसा करने की तैयारी हम लोगों की होनी, हमारी होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इस देश के तंत्रज्ञ हो या नई पीढ़ी हो, शास्त्रज्ञ हो या मजदूर हो, ये सभी लोग इस देश को मजबूत करने के लिए कोई कम नहीं पड़ेंगे। पिछले कई सालों में इस देश में जो कुछ इन्वेस्टमेंट हुई, तो इस देश की GDP के टोटल 2% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये बाहर की हुई नहीं। और इसलिए ये बाहर की इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे मन में एक भय पैदा करने का काम जो होता है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आज एक आर्थिक क्षेत्र में महाशक्ति पैदा करने की बात जब यहाँ की जाती है, तब मेरे मन में चिंता इसकी पैदा होती है कि स्वदेशी की गलत व्याख्या करके हम हमारी आर्थिक प्रगति को रोकने का काम यहाँ करेंगे, जिसकी कीमत आगे के कई पीढ़ियों को देनी पड़ेगी। और ये भय मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की हुकूमत के बारे में है। आपने आर्थिक एजेंडा बनाया, मैं तो बड़ा चिंतित हूँ कि हर दिन हमारे साथी जॉर्ज फर्नांडिस साहब हर दिन एक नया आर्थिक एजेंडा देते थे। सरकार भी एक अलग अजीब थी, नेशनल एजेंडा एक आता था, जॉर्ज साहब का एजेंडा दूसरा अलग आता था, परराष्ट्र नीति के बारे में हेगड़े जी का एजेंडा और तीसरा कुछ आता था। अच्छा हुआ कि मिनिस्टर बनने के बाद ये अलग अलग एजेंडे आजकल बंद हो गए, मगर उनके मन में जो विचार है वो कभी बंद हो नहीं जाएंगे। और इससे हमें शायद कीमत देनी पड़ेगी, कई साल शायद कि मुल्क पिछड़ा जाने की संभावना हम दे नहीं सकते। और एक सवाल मुझे मेरे मन में जो शंका है इस सरकार के दृष्टिकोण के बारे में, जो उन्होंने यहाँ अटल जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ कि देश की राष्ट्र नीति कई सालों तक इस देश में इसमें विचार हो गया, चर्चा हुई है और इससे आम सहमति से एक राष्ट्र नीति बनी है, और जिसका समर्थन इस सदन में बैठने वाले सभी साथियों ने सालों साल किया। आज मेरे मन में चिंता पैदा होती है कि सरकार में बैठने वाले कुछ हमारे साथियों के बयान पढ़ने के बाद, देश के डिफेंस मिनिस्टर के मैंने एक बयान पढ़ा अभी अभी लोहिया जी के स्मृति दिन के बारे में, और चाइना के पास जो भारत की जमीन है इस बारे में उन्होंने कुछ वक्तव्य किया। जरूर कहिए ना, आपके नेशनल एजेंडा में पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की भाषा की है, और जिस तरह से स्टेटमेंट यहाँ दिया गया इस बारे में आपको देखना हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, अटल जी ने इस बारे में सफाई देनी चाहिए, देश के सामने स्थिति क्या है वो उन्होंने कहना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि चीन के राष्ट्र प्रमुख जब भारत में आए थे साल 1.5 साल पहले, तब उनके समय एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने का काम वही रक्षा मंत्री साहब ने किया था, उनके नेतृत्व में यह हुआ था, ये यादें मैं तो भूल नहीं गया। और इसका असर पड़ोसी देशों में क्या होगा ये हमें बिल्कुल हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, इसकी शायद हमें कीमत देनी पड़ेगी, और इसलिए इसका वायदा मैंने ये किया। मैंने ये सिर्फ 2-4 मुद्दे यहाँ रखे कि मुझे ये दिखाई देता है इस सरकार की नीतियों में और सोच में बहुत अंतर है, यहाँ बहुत कॉन्ट्राडिक्शन्स है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ कार्यक्रम लेकर देश को आगे ले जाने का विचार देश के सामने जो हुकूमत रखती है, वो हुकूमत और उस हुकूमत का जर्नी वो ठीक होगा, इस पर विश्वास रखना मेरे जैसे व्यक्ति को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आज का प्रस्ताव को विरोध करना ये मेरा फर्ज मैं यहाँ समझता हूँ। मैं इससे ज़्यादा और कुछ सदन का समय यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक बात साफ करना चाहता हूँ कि देश को आज स्थिरता की आवश्यकता है। रूलिंग पार्टी के पास, प्रधानमंत्रियों के पास आवश्यक इतना बहुमत का नंबर हो तो सरकार चलाने का उनका अधिकार हम जरूर मानेंगे। पार्टियों को तोड़ फोड़ करके जिस बारे में कल सदन के कई घंटे गए, इस रास्ते से जाकर बहुमत बनाने की कोशिश हो, तो इस सदन में
जैसी परिस्थिति कल होगी शायद ऐसी परिस्थिति बार बार भी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति पैदा न करने के लिए कदम सामने की तरफ से होगी और जिस तरह से जो जो कॉन्ट्रडिक्शंस आप में हैं ये कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर आप चले गए तो शायद कल आप मुझे मालूम नहीं कामयाब भी हो सकते हैं। आपने कुछ पड़ोसी हमारे राज्यों के साथ और वहाँ के नेताओं के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग किया होगा मगर वो कहाँ तक रहेगा कब तक चलेगा इस पर विश्वास रखना मुश्किल है और इसलिए ये स्थिरता कहाँ तक रहेगी इस पर इस देशवासियों को विश्वास नहीं। इस प्रस्ताव को कितने किया था